एवरीवन, सभी को नमस्ते, जोहार, जय जीशु। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वैसे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में जो भी काम कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे भी हमारी बारी जो है इसमें प्याज वगैरह लगे हुए थे जो पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही उखाड़े हैं, तो मैं वो दिखाऊंगी। घर के सारे लोग मिल के प्याज उखाड़ने में लगे हैं। हम लोगों ने प्याज को एक जगह जमा कर दिया है और अब इसे गुच्छा बनाने की बारी है, जो कि बड़ी मम्मी करने वाली हैं। और ये लगभग आज का काम हो गया है ख़त्म, और बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये हमारी छोटी सी बारी, आम पेड़, पपीता पेड़, इधर पे आम पेड़, लीची पेड़, पपीता पेड़, इधर पे आम पेड़। बारिश हो रही है। प्याज हटाने के बाद अब यहाँ पे बारी हम लोग साफ़ कर चुके हैं, और इसमें मकई और भी कुछ सब्जियाँ हम लोगों ने लगाया है, और मैं यहाँ पे पालक की जो डालियाँ थी उसे मैं काट रही हूँ। ये पालक की जो डालियाँ हो गई थी जिसमें फूल लगे हुए थे उसको मैंने काट दिया है। अब ये इसमें बीज है जो कि बाद में हम लोग को यूज़ करना है। लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं आप लोगों को अपने स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहूँगी, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है म्याऊं का घर, अब यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है। ये मम्मी है, ये मम्मी का बेटा है मतलब ये लोग का, ये छोटे वाले बच्चों का बड़ा भाई। क्या मम्मी? मिमी बड़ा भाई होने का ज़्यादा ही फर्ज निभा रहा है, इतना तंग करता है यार उन लोगों को। देखो देखो अभी इसको। ओ बस बस बस, आराम से। ये म्याऊं के छोटे छोटे बेबी, वैसे तीन है बट यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक को वो उसी टाइम अंदर ले जा चुकी थी, क्योंकि बाहर वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे इसलिए मैं उसको घर घुसा चुकी थी। बाकी दो को भी वो लेने की तैयारी कर रही है, तो ठीक है अब इन्हें अंदर डाल देते हैं और मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलूँगी, और तब मैं इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप लोगों को अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।